लोकसभा चुनाव के बाद शुक्रवार को दिल्ली स्थित संविधान भवन में एनडीए दलों की बैठक हुई, जिसमें सभी दलों ने मिलकर सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना, जिसमें एक एक कर कई अलग अलग दलों ने अपनी बात रखते हुए बीजेपी के समर्थन में हमेशा साथ खड़े रहने की बात कही। इस बैठक में यूपी की ओर से सहयोगी दलों में अपना दल एसए अनुप्रिया पटेल और आरएलडी चीफ संजय चौधरी पहुंचे। अनुप्रिया पटेल ने अपने संबोधन में पीएम मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि पूरा एनडीए परिवार आपके साथ और आपके पीछे खड़ा है। मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से एनडीए संसदीय दल के नेता के पद पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का पूरे दिल से समर्थन करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ये पूरा एनडीए परिवार मजबूती के साथ आपके पीछे और आपके साथ खड़ा है। आप हमारा नेतृत्व करें, राष्ट्र निर्माण के हर संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी एकजुट होकर पूरी तत्परता से कार्य करेंगे। आगे अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हमें विश्वास है कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में देश और आगे बढ़ेगा और तीसरी बार की मोदी सरकार आगे ऐसा काम करेगी जिससे देश भी अचंभित होगा और दुनिया में भारत का डंका बजेगा। पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहती हूँ कि हमारे तीसरे कार्यकाल में आपके नेतृत्व में एनडीए की सरकार जो कार्य करेगी, वो कार्य आने वाले समय में पूरे देश को अचंभित करेगा और दुनिया में भारत की उपलब्धियों की चर्चा होगी, भारत की जय जयकार होगी। इसी के साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, सीएम नीतीश कुमार, चिराग पासवान समेत कई और नेता ने अपनी बात रखते हुए बीजेपी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुनने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सभी दलों ने पास किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।